कभी आपने महसूस किया है तारों के नीचे खड़े होके ऐसा लगता है मानो दुनिया इतनी बड़ी है और हम और हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी। नमस्ते एंड हेलो सभी को, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलाउजी मेरी नज़र से। आज हम छोटी सी वॉक के लिए निकलने वाले हैं और अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं 31 जनवरी को इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हम फुली पैक्ड आप देख सकते हैं, मेरे अंदर तो कहीं पे भी इस एरिया को छोड़ के कोई कैपेसिटी नहीं है कहीं से भी हवा घुस पाए। चलिए देखते हैं ठंड में रात को कैसा लगता है वॉक करके। दो तीन दिन के तूफान के बाद राहत मिली है, थोड़ा बेटर डे था, बर्फ़ तो गिर नहीं रही है, तो हमने सोचा वॉक कर लें। जो दो तीन दिन में इतना घी खाया है उसको थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था वॉक करना ज़रूरी है, सो इसलिए हम निकले हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे में शाम के टाइम को निकलना, हिल स्टेशन फील्स। ये देखिए हम सनसेट वाली साइड को आए हैं, आप देख सकते हैं स्काईलाइन कितनी ब्यूटीफुल कलर दे रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं अभी कितना वीराना है यहाँ पे, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से कोई आ रहा है। ये देखिए किसी के आने की खुशी। ये देखिए ये है एक तारा देवी मंदिर यहाँ पे, बचपन में हम यहाँ पे बहुत आया करते थे, अब बहुत कुछ बदल गया है डलहौजी में। स्कूल से वापस आया करते थे इसी सड़क से, मोस्टली हमारा आना जाना रहता था पैदल, तो यहाँ पे ग्रीन्स होटल हुआ करता था जो कि आज के डेट में सम अपार्टमेंट्स कुछ ऐसा बन गया है और सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बस यहाँ पीछे एक नाला है वो अभी भी है, आपको पता ही है हाउ वी लव नालाज, सो वो तो जाते नहीं है। एनी वे देखिए इतना ज़्यादा ब्राइट तो कुछ भी नहीं हुआ करता था डलहौजी में, स्पेशली विंटर्स में। व्हाई शी कीप्स हाइडिंग, आई हैव नो आइडिया। एंड देन पीपल से कि तो इसको लेती क्यों नहीं, इट्स सो डिफिकल्ट टू कैप्चर हर। एनी वे देखिए आप पीछे रौनक, देखिए तू हट जाना अगर नहीं आना है तू। गॉड, वैसे एक एक मेरी और एडवाइस है, सर्दियों में रात को निकलो तो फ्लैशी कपड़े पहन के निकलो, अच्छा भी लगता है और कुछ ले भी नहीं जाओगे। ये देखिए अब हमने एंटर कर दिया है अपने मॉल रोड में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटी मार्केट है और यहाँ देखिए लेकिन रात को बहुत ही सुंदर दिखती है, ब्रिलियंट लाइट्स और सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो लोग बहुत कम हैं, इस वक्त बिल्कुल भी रश नहीं है तो दिख भी रही है, वरना जब लोग होते तो यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देते हैं, मार्केट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। देखिए गांधी चौक है ये और कल आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया गया था। मेरे पीछे सब इतनी ब्रिलियंट लाइट्स चमक रही है, पूरी जो पहाड़ी है ये पीर पंजाल वाली, इसके ऊपर लाइट्स ही लाइट्स है, जितनी सेटलमेंट्स है सारी चमक रही है। सो अभी आपको फ्लैश ऑफ करके मैं अच्छा सा शॉट दिखाती हूँ, एक शॉट दिखाती हूँ। देखिए ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह ये सारी लाइट्स दिखाई दे रही है, इतना अच्छा लग रहा है ये। Like I said, flashy. ये गांधी चौक से जो हमारी ठंडी सड़क वाली साइड है उस तरफ को हैं कुछ दुकानें, तो बस इतनी सी ही मार्केट है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो इंडो टिबेटन मार्केट है और कुछ 7-8 दुकानें नीचे वाली साइड को भी है, कैंट वाली साइड जब हम जाते हैं उस तरफ को।
इससे जब हम मार्केट अब आ ही गए हैं तो खाली हाथ वापस जाना अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखिए। कैलोरीज तो पता नहीं बर्न हुई कि नहीं हुई, बट आई एम बर्निंग और काफ़ी गर्म हो गई हूँ। सो इसी के साथ चलते हैं घर की ओर, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।